नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पोहे का नमकीन बनाएंगे। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दिया है। ये देखिए, मैंने पोहा को तलने के लिए इस तरह की छलनी की यूज़ की है, और मैंने प्लेट में कुछ टिश्यू पेपर रख दिया है। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप इससे भी पोहे को तल सकते हैं। हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पोहे ले लिए हैं। थोड़ा सा पोहा डाल के देख लेते हैं। अभी हम एक मुट्ठी पोहा इसमें डाल देंगे। बस ये देखिए, कुछ सेकंड्स में ही पोहा तलकर तैयार हो गई है। हम इसी तरह से 3-4 बार पोहा ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। मैंने कुछ कॉर्नफ्लेक्स ले रखी है, इसे हम चाट वगैरह में डालते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे यूज़ कीजिए, नहीं तो स्किप कर लीजिए। इसके बदले आप रेडीमेड नमकीन पोहे में डाल सकते हैं। अभी हम कॉर्नफ्लेक्स को ऑयल में डालेंगे और इसे तलेंगे। इसे भी तलने में कुछ ही सेकंड लगता है। अभी कॉर्नफ्लेक्स तलकर तैयार है। इस तरह से हम बाकी को भी तलकर रख लेंगे। इसके बाद हम मूंगफली को तलेंगे। मैंने यहाँ पे एक कटोरी से थोड़ा कम मूंगफली ली है। मूंगफली को तलने में 1.5 से 2 मिनट लगेगा। आप देख सकते हैं, मूंगफली भी हमारा तलकर तैयार हो गई है। इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। मैंने यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख ली थी। इसे भी हम तल लेंगे। अगर आप इसका क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो और 1-2 लाल मिर्च डाल दीजिएगा। अगर स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत डालिएगा, आपकी मर्जी। क्योंकि बाद में भी मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालने वाली हूँ। अभी हम चूल्हे को कर देंगे बंद और इस गरम तेल में कड़ी पत्ता डाल के फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ते को तेल में डालने से पहले अच्छी तरह से धो के पोंछ लीजिएगा। तले हुई चीज़ को छोड़ के मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर ले रखी है। अभी हम सभी सामग्री को एक बर्तन में मिक्स करेंगे। अभी हम मूंगफली पोहा और कॉर्नफ्लेक्स को रख लेंगे। मैं इसमें अभी डाल रही हूँ चाट मसाला। अभी डाल देंगे स्वाद के अनुसार सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट। अभी डाल दीजिए लाल मिर्च पाउडर। इस कटोरी में सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता तली हुई मैंने रखी थी। अभी डाल देंगे सूखी लाल मिर्च। फ्राई की हुई कड़ी पत्ते को ऐसे हाथ से मसलते हुए डाल देंगे। अभी हम सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल दिए हैं, इसे हम अभी मिक्स कर लेंगे। इस प्लेट में मैं अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर पा रही हूँ,
इसीलिए एक बड़ा सा थाली में इसे डाल के अभी मिक्स करूंगी। आपके पास जो भी बर्तन है आप इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो आपने देखा ना, घर पर मैंने कितनी आसानी से पोहा के नमकीन बना के तैयार कर ली है। आप भी इसी तरह से घर पर पोहा के नमकीन बनाइए। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। जो बच्चे पोहा खाना पसंद नहीं करते हैं वो खुशी खुशी इसे बहुत मज़े से खाएंगे। इस बढ़िया सी रेसिपी के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। इस हिसाब से आप और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर भी रख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द पहुँचें। और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।